अच्छा गया पेपर, बढ़िया। क्या पूछ रहा है? लोकतंत्र से ज़्यादा पूछा, एक मर्दा प्रधान ज़्यादा पूछ रहा था और एक विदेश नीति ज़्यादा क्वेश्चन। और ये पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो भी थे ना पॉलिटिकल। हिस्ट्री वगैरह? हिस्ट्री से थे, मुगल शासन का था, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य नहीं था, मगध साम्राज्य। और मुगल काल वगैरह ये पूछे थे क्या? मुगल गुप्त वंश पूछा था, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा था। अच्छा, और क्या पूछा? जलधाराएं वगैरह? नहीं नहीं, सौरमंडल, सौरमंडल से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ऐसा पूछा था। पॉलिटिक्स से थी कुछ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? हाँ, उपराष्ट्रपति और कौन सा विभाग का अध्यक्ष होता है? तो वो राज्यपाल का, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और बाकी मतलब कुछ प्रधानमंत्री ऐसा कुछ पूछा था? प्रधानमंत्री संबंधित कोई नहीं। जलधाराएं वगैरह? राष्ट्रपति संबंधित थे, जलधाराएं नहीं थी। जलधाराएं वगैरह नहीं थी, भूमि से संबंधित? भूमि से संबंधित था। हाँ, एक दो क्वेश्चन थे सर। जलधारा है, सौरमंडल ग्रह के बारे में? ग्रह का एक ही क्वेश्चन था बस। कैसा था वो? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यस। और कुछ एस्ट्रोनॉट से कुछ पूछा? नहीं, और उससे कुछ नहीं बस। ठीक है, मतलब और पेडागोजी? पेडागोजी के थे ना क्वेश्चन, पेडागोजी यार। पेडागोजी? हाँ, मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट ही कैसे थे? मैथ, रीजनिंग? मैथ से तो बिल्कुल दो क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सरल आए थे, केवल जोड़ना घटाना था बस। और बाकी? बाकी सब सरल था, पेपर बहुत सरल था। अच्छा, आपको कैसे? मेरा तो 74 ही रहा है, क्वालिफाई नहीं हो पाया हूँ। अच्छा, क्वालिफाई नहीं? यस। आपका नाम बताइए? सुभाष। बढ़िया। मतलब क्या पूछ रहा है ये? साइंस, सोशल साइंस? सभी सोशल साइंस में अपने हिस्ट्री और उसमें कोई संधि वगैरह भी पूछ ली। हिंदी का पेपर समाज विज्ञान पूछ लिया, ले अच्छा, कुल मिला पेपर अच्छा था। मतलब क्या जलधाराएं वगैरह पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, जलधाराएं नहीं, करंट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, करंट और एक आध हिस्ट्री के क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे कुल मिला। मतलब ये पूछ रहा पॉलिटिक्स? हाँ, पॉलिटिक्स, मुगल काल नहीं पूछा, पॉलिटिक्स से ज़्यादा पूछा, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा पूछा, राजनीति, राजनीति पूछ रहा, पॉलिटी पूछा, हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन थे, मुगल काल के दो क्वेश्चन होंगे बस। मुगल काल के दो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन, तीन बस। बाकी जलधारा वगैरह? जलधारा नहीं पूछी, एक क्वेश्चन था वो चरवाहे वगैरह का बस। और सौरमंडल से पूछ रहा? सौरमंडल से एक क्वेश्चन था, सबसे छोटा ग्रह कौन सा बस। और ये जो होते हैं स्थल मंडल, जल मंडल? नहीं 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 पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा, एक वो परत के बारे में पूछा था, ओजोन क्षेत्र के बारे में। ओजोन परत के बारे में एक क्वेश्चन बस। और बाकी ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? तीन क्वेश्चन, बाकी अलावा अनुच्छेद थे, चार या पांच अनुच्छेद पूछे गए थे कुल मिला के। अच्छा, पॉलिटी ज़्यादा थी उसमें, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी। नॉर्मली बन रहा है लगभग? लगभग लोग फेल ज़्यादा हो रहे हैं, 60 के बीच में नंबर ज़्यादा आए लोग बागों के। अनुच्छेद पूछे क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा, तीन या चार। तीन चार अनुच्छेद? हाँ। पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा यही पॉलिटी और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था में कैसा पूछ रहा है? मतलब मुद्रा, बाजार के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय। अच्छा, पूछ रहा है डिजिटल इंडिया के बारे में, करेंट के क्वेश्चन भी थे। करेंट को कैसा पूछ रहा है? करेंट के क्वेश्चन अभी वो एक था, वो अभी भूकंप आया था उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, ये भूकंप आया तुर्की में, तुर्की में जो भूकंप आया था उसका, उसके बारे में पूछा था। और बाकी? और बस बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये जो बाकी सब्जेक्ट थे पैडागोजी के? पैडागोजी के चार क्वेश्चन थे बस, पांच इंग्लिश के, पांच इंग्लिश के, तीन मैथ के क्वेश्चन बस। ये बन रहा है नॉर्मली? नॉर्मल। इंग्लिश में क्या पूछा था? इंग्लिश में सिक्वेंस में क्वेश्चन थे, सिक्वेंस में अरेंजमेंट करना था उनका। नॉर्मली ग्रामर वगैरह? मैथ थी क्या? मैथ के तीन क्वेश्चन नॉर्मल, बोर्ड मार्क्स वगैरह बढ़िया। मतलब और क्या पूछा था आपको? बस बढ़िया क्वेश्चन थे कुल मिला के, हमारा क्वालिफाई हो गया। अच्छा, आपको क्वालिफाई हुआ है? 98 नंबर। और बताइए, मतलब क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? अब यही पर, अब तो मेंस का जो सिलेबस देंगे उसे, अभी तो मेंस का सिलेबस दिया नहीं है, पीवी जो मेंस का सिलेबस देगी अभी के लिए, मतलब जो पढ़े तो कैसे पढ़े अभी? एमपीपी है, एमपीपी आप उनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी पॉलिटी और अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। अर्थव्यवस्था और पॉलिटी और अनुच्छेद वगैरह, पॉलिटी सबसे ज़्यादा पॉलिटी पढ़े हैं, एक दो क्वेश्चन मुगल काल से बन ही रहा है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं बन रहा मगर फिर भी आ रहा है, आ रहा है एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते हैं बस। पॉलिटी सबसे ज़्यादा, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी, बाजार की स्थिति बारे में और करंट। अच्छा, करंट। चलिए, आपको नाम बताइए? शैलेंद्र सिंह। नंबर? 98। पेपर क्या? पेपर कैसा? टफ है यार, बहुत टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ है। अच्छा, क्या पूछ रहा है टफ?
अरे वो ये पूछ रहा है परमाणु परीक्षण का समझौता कब हुआ। अच्छा ये पूछा था परमाणु का अमेरिका के साथ। अच्छा मतलब काय के ये पॉलिटिक्स वगैरह काय में ज्यादा आपको लगा? ज्यादा हिस्ट्री आ रही है। हिस्ट्री ज्यादा है? हाँ बहुत वीकली आ रही है। और ये बाकी नॉर्मल सब्जेक्ट कैसे? नॉर्मल भी सब, वो तो सर मैं इंग्लिश भी 2-3 क्वेश्चन है, मैथ भी 2-3 क्वेश्चन है बस। अच्छा आपका कैसा गया? मेरे 61 है, मैं बोलता रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? सुरेश यादव। चलिए थैंक यू।